फर्स्ट सबका, जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं आपको ये दिखा है, बट आज हम आपको कैमरे के पीछे लेके जाएंगे, दिखाएंगे कैसे बनाई जाती है वीडियो और बेसिकली अपना थोड़ा सा स्टूडियो टूर देने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बात करी जाएगी, मतलब जो एसेंशियल्स है ना भाई शूट करने के लिए और जो एनवायरमेंट बनाना होता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे जिन लोगों को पता नहीं, ये मेरा घर वाला स्टूडियो है, तो मेरे घर में एक कमरा है जिसको मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट कराया था, और हमारे पास एक दूसरा स्टूडियो है जहाँ पे हमने सारा काम चालू कर दिया था, सब कुछ हो गया था, बट ये कोरोना इतने प्यार से आया वहां पे सब बंद पड़ा हुआ है। तो अभी जो बस बेसिक चीजें थी जो चाहिए चाहिए थी वो हम यहाँ पे ले आए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 1 2 3 लेट्स गो। काम करते सबसे पहले ना एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या काम होता है, और उसके बाद एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, मेरे को 5-6 साल हो गए और ये मेरा एक फील्ड ऑफ वर्क है, और काफी सारी मेरे पास ऐसे महंगे इक्विपमेंट है जो मेरे लिए एक नेसेसिटी है, क्योंकि मेरे को आप सब लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाना रहता है और मेरे लिए वो काम आसान हो जाता है। तो बिल्कुल भी इंटिमिडेट मत हुईगा, क्योंकि मैंने भी यार एक 200 रुपए वाले माइक और एक टूटी स्क्रीन वाले फोन दिया, अभी भी वैसे फोन की स्क्रीन टूटी है, सही लग रहा है। वैसे ये वाली मेन डेस्क है, इसमें ज्यादा मीटिंग होती है और जितना भी काम रहता है वीडियो एडिट करने वाला, देखने वाला क्या सब क्या कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारी काफी बड़ी टीम है उसको मैनेज करना रहता है, तो सारा काम यहीं से होता है। तभी आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक कैमरा भी लगा रखा है जो काफी काम आता है। बट हम स्टार्ट करेंगे इधर से, ये वाली जो डेस्क है दोस्तों इस पे भी काफी काम होते हैं। इस पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो 2 मॉनिटर है, ये बेसिकली 2 कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर विंडोज वाला है और एक कंप्यूटर हमारा मैक वाला है, मैक मतलब जो एप्पल का सॉफ्टवेयर आता है। आप लोग सोच रहे कंप्यूटर में कैसे डाल दिया, जुगाड़ दोस्तों इंडिया में सबके खून के अंदर, तो हमने भी ऐसा जुगाड़ उगाड़ लगाया, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, बट हमने ऐसे टाइम पास के लिए करा था और काफी अच्छा टाइम पास हो गया था। ये वाला जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं हमने पबजी खेली, थोड़ी लाइव स्ट्रीम करी जाएगी सेकंड वाला चैनल पे, भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, बट करेंगे। पर एक क्वेश्चन शायद दिमाग में, 2 कंप्यूटर बट कीबोर्ड और माउस बस एक एक ही है, तो ये वाला जो कीबोर्ड है और ये जो माउस है ना, ये है लॉजिटेक का MX Master 3, अभी रिसेंटली लिया था। ये दोनों डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाता है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर लाने के लिए ऐसे बस स्क्रीन के एज तक लेके जाना पड़ता है और आ जाता है दूसरा वाला। तो ये जो मल्टी कनेक्ट वाला फीचर लगता है ना, इसमें कीबोर्ड में भी है माउस में भी है, काफी ज्यादा यूजफुल लगता है मेरे को। इससे आप 3 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और तीनों में एक साथ माउस चल जाता है। काफी तारे वारे सब बच जाती हैं क्योंकि तारों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इधर आके जैसे कि आप देख सकते हैं तारे ही तारे हैं, राउटर की हैं, स्विचेस की हैं, और मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, इतनी तारे कहाँ जा रही हैं, ये हर चीज की तार यहीं पे जुड़ी हुई है, हमारे दिल की तारे भी इधर ही जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा तारे ना वैसे ये राउटर और ये स्विच की है, ये राउटर नहीं है, ये एक डेस्कटॉप स्विच है। इससे होता क्या है कि राउटर में 2-3 ईथरनेट वाली केबल लग पाती, इसमें आप 7-8 लगा सकते हो, और यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर है ना सारे वो डायरेक्ट जो इथरनेट वाली केबल होती है ना, जो ब्रॉडबैंड की डायरेक्ट आते हैं उससे कनेक्टेड है, क्योंकि उससे स्पीड ज्यादा आती है। वाईफाई से 100 Mbps में 50-50 आती है अगर दूर हो जाओ तो, बट अगर डायरेक्ट केबल लगाई जब फुल टू स्पीड का इस्तेमाल होता है मजा आ जाता है दोस्तों। लकड़ हारे थे हम बचपन। ये एक्चुअल वुड का एक लॉग ही है, ये ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए बनाया हुआ कहीं से खरीदा मैंने ऐसा कुछ, एक वुड की दुकान थी कुछ ऐसे काम वाम चल रहा था, तो उन्होंने काट के ऐसे ही रखा हुआ था स्पेयर में, तो मैंने वहीं से डायरेक्ट उठा लिया, इसको कुछ पॉलिश नहीं करी हुई है कुछ नहीं करा। मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता, काफी प्यारा सा लगा। तो इस तरफ अगर आप लोग देखें तो ये सबसे प्राचीन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सबसे ऐसे प्राचीन नहीं है बट काफी ज्यादा प्यार है, इससे नोकिया वालों ने काफी मस्त मस्त चीजें बनाई है, तो इसको से रखते हैं हम। अपने पास्ट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाला हमारा सेकेंडरी माइक है, ये लाइव स्ट्रीमिंग में यूज होता है इसीलिए इस वाली टेबल पर रखा हुआ। रोड वालों का इसमें खास बात यह है कि USB-C से भी चल जाता है, नॉर्मल माइक्रोफोन पोर्ट से भी लग जाता है, मोबाइल लैपटॉप हर चीज में लग जाता है, तो इसलिए हमने इसको रख रखा है। आप सोच रहे होंगे पर्दा क्यों लगा रखा है, हरियाली फैलाने के लिए, ये हरियाली नहीं फैला रहे हैं, इसका एक काफी बड़ा रीजन लॉकडाउन से रिलेटेड। अब यहाँ ट्रैवल तो हो नहीं पा रहा है, तो हमको कभी ताली बजा के रेगिस्तान में जाने जा गर्मी लगने लगी, या फिर पहाड़ियों पे जाके थोड़ा ठंडक महसूस करनी है, या फिर पानी के बीच में लहरों में घूमना है, सब पॉसिबल हो जाता है खाली ग्रीन चादर की वजह से। देखो दोस्तों सारी चीजें अपनी जगह, पर चश्मे अपनी जगह, स्नैपचैट वैपचैट सब चलता है, बट
ये कर सकते हैं किसी हवा आ सकती है ऐसे सामने से। ये पता नहीं कहाँ से लिए थे बट काफी ज्यादा प्यार हो गए तो इनको अपने पास संभाल के रखा जाए। यहाँ पे एक प्रिंटर पड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है बट काम कर देता है। और ये वाला फर्नीचर आईकिया का है, ठीक ठाक बजट में ठीक ठाक चीज मिल जाती है। और अगर आप लोगों ने नोटिस करो तो ये क्या हरे नीले पीले ये सारे लगा रखे हैं। होता क्या है यहाँ पे गुस्सा उस्सा आ जाता है, मेरी बहन ऐसी है रिकॉर्ड कराने में फिर मैं गुस्सा हो जाता तो मैं आगे यहाँ वैसे मुक्के मुक्के मारता हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के पहले मुक्के मारने के लिए। ना अगर आप नोटिस करोगे ना तो हर जगह ऊपर उस कोने में भी इस कोने में भी। इससे होता क्या है कि जो साउंड होती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, एको बिल्कुल नहीं आता। एक अच्छी क्वालिटी की साउंड के लिए खाली अच्छा माइक नहीं खरीदना होता, एक थोड़े आसपास के लोग भी जो मम्मी कुकर की सीटियां होते हैं उनको बंद कराना था और हम भी थोड़ी फोम वोम करके इससे एको बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एग्जाम्पल दिखाएं No echo. साउंड बार वैसे मैंने ये खरीद रखी है, ये शाओमी वालों की है बट मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं ठीक है बहुत ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि भाई मेरे iMac के स्पीकर्स अभी भी इससे ज्यादा अच्छे हैं तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स वही यूज करता हूं। पर ठीक है डिसेंट प्रोडक्ट। और यही स्टैंडर्ड Amazon Basics का एक माउस पैड है जो काफी बड़ा सा है, काफी सिंपल सा है। वैसे यहाँ पे जो दो कंप्यूटर है इसमें ये जो राइट वाला है ये काफी हाई एंड है, इसमें हर चीज टॉप ऑफ द लाइन है, बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, बेस्ट प्रोसेसर है। तो इसको हमारी टीम में देवेंद्र यूज करता है एडिटिंग के लिए बट देवेंद्र क्योंकि अभी अपने घर से काम कर रहा है तो इसलिए ये हमारी अमानत हो गई है। अब बीच में आ गए तो दिखा दे कि वीडियो कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं कर रहा हूं देखो वीडियो बनाने के लिए पैसे से ट्राइपॉड हिलाना रहता है। ये हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर हमको थोड़ा बहुत दिखता रहता है और एक तो लाइटें वाइटें जला ली थोड़ा से रोशन होगी दुनिया। उसके बाद इस वाली टेबल की अगर बात करें, टेबल की बात नहीं करते, इसके ऊपर अपनी एक वीडियो बनती है, एक अलग से वीडियो बना के अच्छे से बताएंगे। ये जो लाइट्स हैं ये प्रोफेशनल लाइट्स हैं, काफी फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, गोडॉक्स की हैं, थोड़ी बजट वाली प्रोफेशनल लाइट्स हैं बट हमारा काम चल जाता है इससे। और लाइट्स की बात कर ही रहे हैं तो इस रूम में काफी ज्यादा लाइट है, वहां पे ऊपर की साइड काफी बड़ी बड़ी हमने ट्यूबलाइट्स लटका रखी है, ऐसी 1 2 3 4 5 6 लाइट्स हैं ट्यूबलाइट्स ऊपर की साइड में, ये दो दो बड़ी लाइट्स हैं, एक ये लैंप है, ये जो डीजे वाले अपने जो तेवर दिखाते हैं उन्हीं के वाली ये लाइट्स हैं। दोस्तों बाकी सारी चीजें सही हैं पर जब तक डीजे का मजा लाइफ में ना आ पाए तब तक कैसा स्टूडियो। तो इसलिए हमने काफी अलग अलग फीचर वाली लाइट लगा रखी, जैसी अब ताली बुझाएंगे डीजे राजेश 9069797 कॉल फॉर नाइट क्लब्स एंड पार्टीज। इस वाली डेस्क पे सारी जो काम करने वाली चीजें हैं वो पड़ी रहती हैं। सबसे पहले ये iMac है, इसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसी कुछ तगड़ी नहीं है बट ये काम बड़े आराम से कर देता है। इसके स्पीकर बहुत ज्यादा तगड़े हैं, इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और इसका जो ऑडियो आउटपुट आता है, इसका जो वाईफाई कनेक्शन है, जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत तगड़ी काम करती हैं। प्रोसेसर ठीक ठाक है और इसका हमने अपग्रेड भी करा था अंदर ऐसे हार्ड ड्राइव लगा के। तो ये वाली हार्ड ड्राइव इसमें पहले पड़ी हुई थी, ये वाली हमने इंस्टॉल कर दिया और अब बेसिकली इसमें बस एक काम रह गया, इसकी जो टेप है वो लगा के इसको वापस इंस्टॉल कर। जो मेरा एक्चुअल गो टू लैपटॉप रहता है, इससे पहले मैं 16 इंच वाली मैकबुक यूज कर रहा था बट जब से मैंने इस छोटे वाले लैपटॉप पे शिफ्ट करा ना, ये मैकबुक 13 इंच है, मेरा ऐसा कुछ हार्ड कोर काम नहीं होता है, काफी डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी बहुत वीडियोस, थोड़ी रिसर्च और ये सारी चीजें होती है, ये सारा काम इसमें बहुत आराम से हो जाता है और काम करके देता है। तो इसलिए मैं छोटा वाला लैपटॉप मेरा डेली ड्राइवर बोल सकते हैं। और बाकी डेली ड्राइवर की बात करी चारी तो ये आईफोन है जिसकी स्क्रीन तोड़ दी है मैंने, पर इसके साथ मैं अभी वीवो X50 प्रो यूज कर रहा था और इसका कैमरा बहुत ही तगड़ा है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे 3-4 फोटोज ली, जिन्होंने नहीं फॉलो करा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो बटन दबा दीजिए, 3 लाख फॉलोअर हमारी करा दीजिए। ROG फोन मैं यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, काफी चांसेस है इस पे शिफ्ट हो जाए क्योंकि बहुत ही एक रिलायबल एक तगड़ा सा फोन है। ये जिन लोगों को नहीं पता ये किंडल है, इसका जो डिस्प्ले है ये एक इंक वाला डिस्प्ले और इसको पढ़ोगे तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि आप पेपर पढ़ रहे हो और ये बुक्स वुक्स पढ़ने के लिए काफी यूज होता है। मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए मैंने ये खरीदा है, देखते हैं कितनी बुक्स खत्म कर पाते हैं। आप लोग सोचोगे इतनी सारी वीडियो बनाई जाती है इसको सेव कहाँ करा जाता है, हम ऑलमोस्ट 6 साल से वीडियो बना रहे हैं, सारी को स्टोर करके रखना बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए रहती है। वैसे जो मेन हार्ड ड्राइव है वो देवेंद्र के पास है।
और ये वाली एक रे ड्राइव है। ये दिखने में इतनी बड़ी नहीं है बट इसमें 40 टेराबाइट्स की स्टोरेज है और उसमें काफी हद तक काम निकल जाता है। और ये सैमसंग वालों का डब्बा है, ये एक AR वाला लॉन्च एंड वाइट है जो मेरे को काफी अच्छा लगा। हो सकता है इसकी अनबॉक्सिंग कल ही हम डाल दें। और ये मेरे को इस साल तक का, अभी तक का मैंने जितने भी चीजें ट्राई करी उसमें ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा, क्योंकि इसमें जो क्रिएटिवली आप चीजें कर सकते हो ना वो किसी एक मोबाइल या एक लैपटॉप में नहीं कर सकते, क्योंकि काफी इंटरेक्टिव सा एक्सपीरियंस रहता है। स्पेशली जो पेन के साथ ड्रॉइंग व्रॉइंग वाला है वो बहुत ही मजेदार लगता है और इसी के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। इस साइड अगर आप देखोगे, और ये मेरे बोलने से लाइट चेंज हो रही है, ये चार्जिंग वाला मामला मैंने थोड़ा सुल्तानी कोशिश करी है। ये जो चार्जिंग ब्रिक्स व्रिक्स है ना, ये मैंने ऐसे चिपका के रखी हुई है और यहाँ पे सारी तारे मैंने ऐसे चिपका चिपका के रखी हुई है, थोड़ी सिमटी सी दिखी बट तब भी सिमट नहीं पाती। और एक एक्सटेंशन है और ये बेसिकली एक जंजाल है जिसमें काफी सारे जो स्मार्टफोन्स में टेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे वो रहते हैं। अभी इन सबसे पहले गैलेक्सी फोल्ड ही यूज कर रहा था, ये भी काफी मजेदार स्मार्टफोन है। इस साइड तारें, अडाप्टर, ये जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है इससे स्मार्टफोन्स की स्क्रीन और आईमैक की स्क्रीन सब साफ होती है। और इस साइड सारे ईयरफोन्स आते हैं। ईयरफोन सबसे ज्यादा अगर यूज होते हैं वो एयरपॉड्स होते हैं, क्योंकि आईफोन से अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। बट हेडफोन्स जो हैं वो मेरे को ये खरीदने पड़े थे अभी रिसेंटली, क्योंकि ऑडियो के आपको काफी इश्यूज आ रहे थे और इसमें देखिए ना अच्छे से पता चल जाता है कि ज्यादा पीक तो नहीं हो रही या फिर कुछ दिक्कत है ऑडियो के अंदर। ये वैसे एक ड्रॉर वाला कैबिनेट है, अमेज़न से ऑर्डर करा बट है आईकिया का, और इसी के अंदर सेकंड ड्रॉर में स्नैपचैट के स्पेक्टिकल, थर्ड वाली में तार और चार्जर है, और इस साइड प्रोडक्ट के वो डब्बे हैं जो टेस्ट करे जा रहे हैं या टेस्ट होंगे। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाता है, आप लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ डोरेमोन है जो गैजेट निकाल निकाल के दे, ऐसा नहीं है, सारे चाइना से जितने भी गैजेट्स वायर्स हैं वो सारे चाइना में बनते हैं। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारी ये टेबल भी है, ये एक हाइड्रोलिक टेबल है, ऐसी इंडिया में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर मिलेगी भी तो 50-60 हज़ार का होगा उसका प्राइस। अगर सेंस बनाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से दिखाएं, अच्छे से प्रमोट करें। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, हवा के कैन मिल जाएंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हमने पूरी, ये ऑक्सीजन है, और कभी इंजेक्शन लगाने पड़ जाए तो वो भी पड़ा है, ट्रेन के डब्बे, और ये निंटेंडो DS है जो एकदम इनिशियल गेमिंग का ट्रेंड चालू हुआ था वो सारा इसी वजह से हुआ था, तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसको मैंने काफी अच्छे से संभाल के रखा है। ये गोली है, इसको पानी में डालो तो टिश्यू बन जाती है। और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, डिस्प्लेस पड़े हुए हैं कुछ अगर दिखाना हो विजुअली, या फिर छोटे मोटे गैजेट्स जो काम आते रहते हैं। और कैमरे की अगर बात कर लें तो अभी जिसे शूट कर रहे हैं वो सोनी का A7R4 है, और जो सेकेंडरी वाला कैमरा यूज होता है ये सोनी का RX 100 Mark 7 है। ये दोनों ही काफी हाई एंड कैमरास बोल सकते हो, और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है मेरे ख्याल से इतना ज्यादा की जरूरत नहीं, बट हमको थोड़ा शौक भी है और काफी अलग अलग चीजें हम करते हैं तो इसलिए मजा आता, तो क्या दिक्कत है। इस साइड ना वैसे काफी हद तक स्टोरेज का ही रहता है, जैसे जो गैजेट्स हैं या फिर स्टेशनरी वाले आइटम्स हैं, पेन पेंसिल रबर शार्पनर या फिर हार्ड डिस्क हैं, और जैसे इस वाले में काफी हद तक जो मोबाइल के लेंसेज होते हैं और जो फोटोग्राफी के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ये गोल सा काफी मजेदार लगता है फोटो वोटो खींचने में, और थोड़ी बहुत तारे वारे ये सब हमने इसके अंदर रख रखी है। और ऐसी ये सारा एरिया ना स्टोरेज का है, जितने भी फोन्स और गैजेट्स है ना जो हम टेस्ट कर चुके हैं वो यहाँ पे नहीं पड़े, वो सारे हम स्टूडियो में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे इतनी जगह है, कोई भी अलमीरा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बस डेली यूज में काम में आ जाता है वो सारा यहाँ पड़ा हुआ। इस वाले में काफी सारे गैजेट्स पड़े हैं, फटाफट दिखाता हूँ। ये GoPro है, ये Canon का छोटे वाला कैमरा है जिससे हम व्लॉग करते हैं, G7X Mark II है, G7X Mark III है, दोनों अच्छे हैं बट मेरे को जो पुराना वाला है वो ज्यादा बेटर लगता है, ये जो Xiaomi वाले लैपटॉप का एक्सटर्नल कैमरा है। और ये एक रोड का वायरलेस माइक वाला सेटअप है, ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है। ये Zoom H1 है माइक्रोफोन, ये छोटा वाला रोड का माइक्रोफोन है, ये भी काफी काम आ जाता है। और बाकी लेंसेज हैं, अभी जो यूज कर रहे हैं वो सोनी का F2.8 16-35 वाला लेंस है। जिन लोगों का नंबर समझ नहीं आती है, थोड़ा बस अच्छा लेंस है, थोड़ा से बैकग्राउंड ब्लर आ जाता है और एक वाइड ऐसे सारी चीजें एक साथ दिख जाती हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ऐसा फील होता है कि हम पास आ जा रहे हैं। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए दोस्तों, हमने सोचा आप लोगों हल्का सा ओवरव्यू दे दें कि कैसे मान मसाला होता है, कैसे शूट होती है वीडियोस, और होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बाय।